जी मेरा नाम हरजीत कौर है, मैं अमृतसर तो आई हाँ। ये मेरी भैन का दोस्त है, ये बच्चा मेरे को मतलब चल रहा, इन्होंने मेरे फोन किया मैं इतने आई हाँ। पुलिस हम ये पुलिस जी कार्रवाई नहीं कर रही, पहले इन्होंने 3:30 बजे बच्चे तलाह दी कि साड़ी लाश चमकौर सू मिल गई है। पुलिस वाले कहें जी अस सवेरे कटा, इन्होंने सवेरे इन्होंने नहीं रात जाके कटिया कहते 50 किलोमीटर लाश अगे रुड़ गई। सवेरे अभी गए बच्चे चपेड़ा मार मार के अपने आप इन कहते सैन करो, जबरदस्ती इन्होंने सैन करा रहे, अपने को ही बयान लिखा रहे हैं क्या करो। ये नहाउन गए ने, शराब दिया दो बोतल पीतिया, ये बच्चा आपे नहाउन वड़िया, ये मतलब डुब गया चेहर उठ गए, तो ये बच्चा जो जिन्हें कतल किया ये खुद बक रहा वा कि मेरे ना बहस पाजी मेरे को पैसे लेने से मैं धक्कर शराब पे आके नहर से जाके धक्का दे बकर रहा है। ये पुलिस वाले जो ने अपने को बयान लिखा रहे हैं कि नहाउन गया रुड़ गया, कोई नहाउन कपड़े सुटे जाता है, कोई नहाउन जाता है कच्छा बनैन पा के नहाँ, कोई कपड़े सुटे तो नहीं नहाँ जाता, ये कोई सफाई नहीं कर रहे। गरीब बंदे ने उन्होंने पैसे कट चुके, ये गरीब बंदे की कोई सफाई नहीं कर रहे। कोई नहीं मैनू खुद में इन्होंने दबके मारे, जाके मैं अमृतसर की वार्ड प्रधान हाँ, इन्होंने मैं खुद दबके मारे ने कि अमृतसर की वार्ड चाओ, इन अमृतसर पहुँचाओ। अज सानू बुलाया कहते कल कहते 9 बजे 10 बजे लाश मिलती, असी सवेर के 9:05 कथे आके बैठे, असी इन्हों 3 फोन किए, 3 फोन जिन्हें सारा फोन कोई नहीं चुकया, फिर असी दूसरे के नंबर से मिलाया तो इन्हें गल करी कहना थाने जाओ, असी थाने चले गए, थाने साढ़े ने 2.5 घंटे बर्बाद किए, मेरे बड़े मुंडे थप्पड़ मारे ने, इतने सहन कर उत्थे सहन कर, अनपढ़ मेरे बच्चे उल्टे सीधे सहन करवाई जाते, अपने को कोशन भरी जाते, साड़ी कोई सुनाई नहीं कर रहे। और मुंडा पत्थर भी गया तो पहले दिन भी पहला मैं 1/2 बोतल पिलाई, फिर मैं 3 बोतल पियाईया, फिर जाके मैं बेहोश करके होश करके चंगी तरह उन्होंने मैं धक्का की मंग करते मंग यही करने भी उन्होंने सारी उम्र कैद कराई जाओ के वास्ते सदा वर्त जा किसी के बच्चे नाल कोई ऐसा हादसा ना कोई करे, कोई कदम ना उठाए बच्चा। मैं यह कानून बनाना चाहती हाँ उन्होंने जिंदा दबाया जाता है, लाश नाल लाश मराई जाए, जिदा उसके बंदे नूं जला जा उदा उन्होंने जला जा जिन्हें जुलम किया। मैं उसकी मां हाँ, ठीक है, बाकी उसकी मां ने 5 लाख रुपया ने भर दिता होया, साड़ी पुलिस कोई सुनाई नहीं कर रही, 5 धियां रखिया उन्हें अपने को धंधा कराती है, इन्हें नोट लिया परसों भी नोट पुलिस वाले ने डोल ही पड़ा गई और मेरे एक बंदे ने गुप्त देखे है। ਅਸ ਕੁਮਾਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰਾਜੂ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਲੋ ਪੁਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ 3-4 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਮਾਮਾ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਗਏ ਪਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਇਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ,
कहना तुम उधर बैठो। देखो साढ़े सामने कोई भी परचा तैयार नहीं कर रहे, बाद सू परचा तैयार कर लेंगे, सू कैन खाली कर दो, आके खाली सैन कर दो आके। अभी जो पढ़न वाले परचा इन्होंने को पुछते हैं, सानू को परचा पढ़ नहीं देंगे, सानू परचा देख नहीं देंगे, कुछ भी नहीं कर देंगे। हूँ की गल अद्धा घंटा पहले गल हैगी है, थानेदार जो हैगा कृष्ण लाल वो अपने वो जान की चलखाई जा रहा, मुंडे नहर के नहा गए थे, वो गिर गया नहाता नहाता। जोड़ा मैं उन्होंने गल कही है, मैं कहा मेरा भाई वो घरों लेके गया, घरों लेके गया। तुम ये भी गल विचों लिखो, वो गल क्यों नहीं लिखती भी पुलिस पिछ, वो गल भी सानू कागज पिछ चाहिए है, वो गल भी लिखनी चाहिए है। वो लिखते हैं सानू चपेड़ा पा मारते डाट मारते, जोड़ा दूजा मुजरिम इन्होंने डकया पाया उन्होंने कहने तू टेंशन ना लै, उन्होंने कहने तू टेंशन ना लै, तैं तो सारा पैसे खा ले। साडा तो भाई लखा करोड़ों का मर गया, तैं तो 10-20 लाख रुपए लेकर खा लाना, साडा भाई कितों आ जाना मुड़ के। ये कृष्ण लाल को साडा केस आ, साडा केस नूं छड्ड के किसी दूजे चंगे अफसर को, ईमानदार अफसर को दिता जाए।